मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य को भेदने का मार्ग दिखाया, अंगूठे से अक्षर तक का सफर तय करवाया, ऐसे गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। तो हाँ जी, की हालचाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता सूरवीर सत्यवादी तेजाजी महाराज की जयंती एवं शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अपने चल रहा था राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर, राजस्थान के दुर्ग। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया था पहले राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की श्रेणियां। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग है जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं हम, ये यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व के अंदर धार्मिक, शैक्षिक और जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उनके अंदर सहयोग प्रदान करता है और विश्व शांति को बढ़ावा देता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है यूनेस्को का। तो इसका मुख्यालय फ्रांस के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर है वो है आद्रे अजोले। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर कुल कितने 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया है। और कब किया गया? 21 जून 2016 को किया गया था। और बात कर लें कौन कौन से दुर्गों को सम्मिलित किया गया था, तो किया गया था गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा आमेर दुर्ग को। इसकी एक ट्रिक याद कर लेते हैं हम, गाजर कुचिया। तो गा का हो जाएगा गागरोन, जे का हो जाएगा जैसलमेर, रे का हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग, और कु का हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और ची का हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और आ का हो जाएगा आमेर दुर्ग। दोस्तों, ऐसा करता हूँ, आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।